अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है सूट वैल्यूएशन एक्ट 1887 के। सूट की जो हम सिविल केस फाइल करते हैं उसकी हम वैल्यूएशन किस तरीके से करते हैं, ये एक्ट जो है सूट वैल्यूएशन एक्ट ये हमें बताता है कि किस तरीके से हम वैल्यूएशन करते हैं। देखिए, अदालतों के जो ज्यूरिडिक्शन है उसका तायुन करने के लिए सूट की डिटरमिनेशन करने का जो ये कानून है सूट वैल्यूएशन एक्ट 1887 है, ये उन केसों में लागू होता है जो रिकवरी ऑफ मनी के केसेस हैं या जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने केसेस हैं उस पर ये कानून लागू होता है। यानी सूट की मखसूस जो वैल्यू है उसको मालूम करने के लिए ये इसलिए मालूम की जाती है ताकि केस प्रॉपर ज्यूरिडिक्शन में फाइल हो। देखिए, मुख्तलिफ कोर्ट की मुख्तलिफ ज्यूरिडिक्शंस हैं, क्योंकि अगर कोर्ट प्रॉपर ज्यूरिडिक्शन में फाइल नहीं करेंगे तो अगर डिग्री हो भी जाता है तो वो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। इसका मकसद क्या है, जो इसके ऑब्जेक्ट है उसका मकसद ये है कि हम कोर्ट का जो पेक्नोरी ज्यूरिडिक्शन है, पेक्नोरी ज्यूरिडिक्शन क्या होती है, मालियाती दायराकार, इस पर हमारी ऑलरेडी वीडियो भी मौजूद है। और एक तो यह है, इसका मकसद यह है कि कोर्ट की जो पेक्नोरी ज्यूरिडिक्शन है वो मालूम की जा सकती है, और दूसरा क्या है, कोर्ट फीस अदा करने के लिए। इसलिए किसी भी सूट की वैल्यू करना, उसकी वैल्यूएशन बनाना ये बहुत जरूरी होता है। जो वैल्यूएशन ये लॉ है एक्ट 1887 का, इसमें टोटल 12 सेक्शन, उसमें से दो तो रिपेल कर दिया गया है, सेक्शन 6 और सेक्शन 10 जो है ये रिपेल, बाकी टोटल 10 ही बनते हैं। तो ये बेसिकली ये वो मिला के अगर हम इसको पढ़ते हैं कोर्ट फीस एक्ट के साथ मिला के हम पढ़ेंगे तो उस हिसाब से हम देखेंगे किस सूट की क्या वैल्यू बनती है, उस हिसाब से हमें कोर्ट फीस पे करनी होती है। देखिए, कोर्ट फीस मुख्तलिफ केसेस में, जो प्रॉपर्टी के केसेस हैं उसमें हमें कोर्ट फीस पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा पोजिशन का केस है, हम पार्टीशन का केस अगर हमारे पास कब्जा नहीं है तो फिर हमें उस पर एड वुलेरम जो कोर्ट फीस है वो पे करनी पड़ेगी। और इसके अलावा बाकी जितने केसेस हैं, खासकर परमानेंट एजेक्शन है, कैंसलेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिशन है, डिक्लोरेशन है, और इसके अलावा स्पेसी परफॉर्मेंस का सूट है, इसके सलाह कोई कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्लिगेशन को पूरा करने का केस है, पोजेशन का केस है, जितने भी सिविल केसेस हैं उसमें जो है ये जो है कोर्ट फीस पे करने के लिए उसकी वैल्यूएशन, सिविल केस के ये याद रखें जितने भी सूट्स होते हैं उसकी वैल्यूएशन की जाती है, सूट की वैल्यू कितनी है और वैल्यू के हिसाब से जो है वो कोर्ट में केस। इसी तरह का सीनियर सिविल जज है, इससे पहले सिविल जज फर्स्ट क्लास है, सिविल जज सेकंड क्लास है, सिविल जज जो है थर्ड क्लास भी है, और इसके अलावा सीनियर सिविल जज है। तो इसके अलावा हाई कोर्ट भी, अगर कराची की हम बात करें तो हाई कोर्ट की भी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिडिक्शन हाई कोर्ट के पास भी है। तो अब हमको उस केस की में जो प्रॉपर्टी है या रिकवरी ऑफ मनी है उसकी वैल्यू देखेंगे, उस वैल्यू के हिसाब से कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन बनेगी और हमने उस केस को उस ज्यूरिडिक्शन ही में फाइल करना होता है। अंडर सेक्शन 7 है कोर्ट फीस एक्ट का जो इसे रिलेट करता है, उसमें अगर हम देखते हैं कोई स्टैंडर्ड वैल्यूएशन मुकर्रर नहीं की गई प्रॉपर्टी के वैल्यू के हिसाब से। हमारे पास प्रॉपर्टी की शेड्यूल का जो वैल्यू है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, अगर हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक टैक्सेबल जो वैल्यू मुकर्रर की है प्रॉपर्टी की, या फिर एफबीआर का टैक्स शेड्यूल भी हमारे पास है, मगर वो सिर्फ टैक्स के हवाले से, जबकि सूट के वैल्यू के हिसाब से कोई हमारे पास ऐसा शेड्यूल नहीं है कोर्ट फीस के हवाले से, कहीं पर भी हमें नहीं मिलता। बेसिकली हम मार्केट वैल्यू के हिसाब से मद्देनजर रखते हुए हमें खुद ही उस प्रॉपर्टी की जो है वैल्यूएशन जो है वो वैल्यू उसकी हमने मुकर्रर करनी होती है। अब जो मुकर्रर हो जाए तो फिर शेड्यूल के मुताबिक उस पर जो फीस है वो कैलकुलेट की जाती है। अब किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू हमने 2 करोड़ रख दी तो उस हिसाब से उस 2 करोड़ पर हम फिर देखेंगे कि कितनी कोर्ट फीस अदा करनी है, और ये 2 करोड़ की वैल्यू इसकी ज्यूरिडिक्शन कौन सी कोर्ट बनेगी, ये हमने बेसिकली देखना होता है। पूरी प्रॉपर्टी को हमने डिक्लेयर करना होता है, हम जितने भी इसमें क्लेम कर रहे होते हैं, जितनी हमारी प्रेयर्स होती है 1, 2, 3, 4 जितनी भी प्रेयर्स होती है सबकी एक वैल्यूएशन मुकर्रर होती है। फॉर एग्जांपल परमानेंट एजेक्शन है, फॉर एग्जांपल डिक्लेरेशन है, पोजेशन है, कोई कैंसलेशन है, तो सब चीज़ की हम एक वैल्यू डिटरमाइन करेंगे कि इसकी इतनी वैल्यू बनेगी, और उस हिसाब से फिर उस वैल्यू के हिसाब से एक तो हमें कोर्ट फीस पे करनी होगी।
देखिए, अगर कोई किसी भी प्रॉपर्टी की ओवर वैल्यू कर देता है या उस प्रॉपर्टी की अंडर वैल्यू कर देता है तो ऑफकोर्स आपका केस रिटर्न हो सकता है, क्योंकि आपने साफ जरे ओवर वैल्यू होने से कीस की जो पिकनोरी ज्यूरिडिक्शन है वो बढ़ जाएगी। जब पिकनोरी ज्यूरिडिक्शन बन जाएगी फिर उस कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन ही नहीं बनेगी, तो इस वजह से वो अंडर 711 के तहत भी या कोर्ट खुद भी सो मोटो के तहत भी आपका केस जो है वो वापस कर सकती है, रिटर्न कर सकती है कि आपने ज्यूरिडिक्शन जो है आपने जो वैल्यू है वो सही तरीके से डिटरमाइन नहीं की। अंडर सेक्शन 3 अगर आप देखते हैं इसका सूट वैल्यूएशन एक्ट का, वो सूबाई हुकूमत को यह अख्तियार देता है कि वो ज़मीन की जो प्रॉपर्टी की वैल्यू मुतायन के लिए कोई रूल्स बनाए ताकि प्रॉपर्टी की ज्यूरिडिक्शन जो है ना वो बन सके और उस हिसाब से जो है ना। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड जो हमारा सेक्शन है वो अंडर सेक्शन 7 है। अंडर सेक्शन 7 है कोर्ट फीस एक्ट का 1817 का, उसमें खासकर सेक्शन 4 है, सेक्शन 5 है, सेक्शन 7 का सब सेक्शन 4 है, 5 है, 6 है, 10 है और क्लास डी जो इससे रिलेटेड करते हैं सूट वैल्यूएशन एक्ट और कोर्ट फीस के हवाले से। अंडर सेक्शन 7 सब सेक्शन उसका 5 जो है वो उसके मुताबिक प्रॉपर्टी की जो वैल्यू हम डिटरमाइन करेंगे वो मार्केट वैल्यू के मुताबिक ही होगी, हमने नहीं डिटरमाइन करनी है, मगर हम डिटरमाइन जो करेंगे मार्केट वैल्यू के हिसाब से करेंगे। कोई हमारे पास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं दिया गया ना तो कोर्ट फीस एक्ट में, ना सूट वैल्यूएशन में, ना किसी और कानून में कोई ऐसा कहा गया, बल्कि सेक्शन अंडर सेक्शन 7 उसका सब सेक्शन 5 है कोर्ट फीस एक्ट का वो ये कहता है कि हमने खुद मुतय्यन करनी है उस प्रॉपर्टी की वैल्यू। अब उसके बाद अंडर सेक्शन जो 17 है कोर्ट फीस एक्ट का वो ये भी कहता है कि उसमें अगर मुख्तलिफ क्लेम है तो हर एक की एक अलहदा अलहदा वैल्यू डिटरमाइन होगी। मिसाल के तौर पर हम कोई डिक्लेरेशन भी है हमारा उस केस में, हमारी हमारी उसमें से परफॉर्मेंस भी है, कैंसलेशन भी है, इसी तरह मुख्तलिफ हमारी प्रेयर्स हैं, तो हर एक की वैल्यू अलहदा अलहदा अंडर सेक्शन 17 की तरह अलहदा अलहदा हम उसको डिटरमाइन करेंगे। अब हम अगर देखते हैं एक केस सूट है 2012 सूट 2 है 2012 ये सिंध हाई कोर्ट में एक रिसेंटली सूट फाइल हुआ था अनिल जहरा वर्सेस फहीम हैदर और जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी ने, ये एक नॉन रिपोर्टेड केस है। उसमें ये एक पर्सन ने, एक पार्टी ने प्रॉपर्टी की ओवर वैल्यू जो है वो लिख दी थी ताकि उसकी ज्यूरिडिक्शन हाई कोर्ट में बन जाए, क्योंकि हाई कोर्ट भी एक ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है, तो वहां केस ला लेने के लिए उसने ओवर जो है उसकी वैल्यू मुकर्रर कर दी थी। फीस तो बराबर ही होती है, मैक्सिमम कोर्ट फीस 15,000 है, तो उसने वहां फाइल की थी। इस पर नाजर को भी वर्ड किया गया, तो कोर्ट को देखे सेक्शन 8 के तहत अख्तियार भी हासिल है कि वो खुद जो है उसके मार्केट से उसका तायुन करा सकती है, नाजर को भी अपॉइंट कर सकती है कि मार्केट में जाके नाजर को जाके इस प्रॉपर्टी की वैल्यू डिटरमाइन करें, तो उसने डिटरमाइन की और उसके बाद जो प्रॉपर्टी की वैल्यू जी ऑफकोर्स कम थी उसने ओवर की, तो उस वजह से उसका केस जो है 711 में उसको खत्म कर दिया जाएगा, उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ये एक तरीकेकार होता है कि आपने किस तरीके से करनी। अब इसमें अगर हम देखते हैं हमारे पास सेक्शन 7 ये कहता है कि हमने खुद डिटरमाइन करनी है मगर हमने मार्केट की वैल्यू, अभी रूलिंग भी पीएलडी 2007 का रांची 224 है और इसमें यह कहा गया है कि मार्केट की वैल्यू के हिसाब से हम प्रॉपर्टी की जो वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। अगर केस को अंडर वैल्यू कर दिया गया और गलत ज्यूरिडिक्शन में बना देते हैं केस फाइल किया, तो ऐसा केस जो है वो पार्टी को रिटर्न कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर ज्यूरिडिक्शन ही गलत है तो वो उस केस की डिग्री भी हो जाती है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। इसके लिए एक रूलिंग भी हमारे पास है पीएलजे 2006 कराची पेज 309, इसमें यही कहा गया सेक्शन 7 जो है कोर्ट फीस एक्ट का, उसका सब सेक्शन 4 है वो प्लेंटिफ को जो केस फाइल करने वाला होता है उसको ये डिस्क्रिप्शन देता है, उसको अख्तियार देता है कि आप अप्रोप्रिएट जो वैल्यू खुद मुतायन करें। अब आपने खुद मुतय्यन करने हैं मार्केट वैल्यू को हिसाब से देखते हुए आपने उस प्रॉपर्टी की वैल्यू खुद मुत, अब आपके मुख्तलिफ प्रेयर है, आप फॉर एग्जांपल आपकी बात होती है, हम कहते हैं कि परमानेंट इजेक्शन भी है, हम इसमें डिक्लोरेशन भी है, हर एक हम अलग अलग, अब परमानेंट इजेक्शन इसकी कोई फिक्स नहीं है, हम अपनी मर्जी से परमानेंट इजेक्शन की वैल्यू मुतय्यन करते हैं। परमानेंट इजेक्शन की वैल्यू हम 5,000 भी मुकर्रर कर सकते हैं, 500 भी कर सकते हैं, 5,00,000 भी कर सकते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ का स्टे ले रहे हैं। हम जबकि अगर प्रॉपर्टी की कोई डॉक्यूमेंट की सिलेक्शन करेंगे तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू देखी जाएगी। अगर हमारा सूट है, सूट फॉर डिक्लोरेशन है, परमानेंट इजेक्शन है, तो हम परमानेंट इजेक्शन की तो अपनी मर्जी से हम 5,000 भी कर सकते हैं, 500 भी कर सकते हैं, 50,000 भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से हमने
पर ट्रांजेक्शन की जो वैल्यू है ना वो हमने डिटरमाइन करनी है। उसके साथ अगर है डिक्लोरेशन है उस प्रॉपर्टी की, हम डिक्लेयर करा रहे हैं कि हम ये इसके ओनर हैं या हम इसके लीगल जो है वो परचेजर हैं, हम इसकी बोनाफाइड परचेजर हैं, तो उसकी डिक्लेरेशन करें तो उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो हम देखेंगे, जो मार्केट हिसाब से वो हम उसको डिटरमाइन करेंगे, वो हम उसकी वैल्यू जो है वो लगाएंगे और उस हिसाब से हमें कोर्ट फीस पे करनी होगी और उस हिसाब से हमारे कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन बनेगी कि हमने इस केस को कहां फाइल करना है। इसी तरीके से अगर हमारा केस याद रखें पार्टीशन का केस है, देखिए पार्टीशन के केस में उस वक्त फीस जो है वो लागू होगी, वैल्यू तो हम मुकर्रर करेंगे, फीस हमें उस सूरत में देनी पड़ेगी अगर कब्जा हमारे पास नहीं, अगर कब्जा हमारा पार्टीशन के सूट का हमारे पास है तो ऑफकोर्स उस पर कोर्ट फीस लागू नहीं होगी, अदरवाइज कोर्ट फीस लगी। और बाकी जितने जो प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स होते हैं उसमें कैंसलेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन का सूट है, पार्टीशन का, डिक्लेरेशन का, जो भी सूट है, तो उसमें जो है ना कोर्ट फीस लगेगी, मगर उससे पहले हमने उसकी वैल्यू मुकर्रर करनी है। ये था हमारा आज का लेक्चर, इसके साथ इजाजत है, कर फिर मिलेगा, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।